मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोरखपुर जाने वाली 2542 सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आज आग लग गई। आग इंजन के पीछे जनरेटर यान में लगी थी। आपको बता दें कि 2542 गोरखपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस लोकमान तिलक टर्मिनल से 11:10 पर लगभग छूटती है, मगर आज इस ट्रेन में जनरेटर यान में अचानक आग लग गई। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी चालक को लगी, मुमरा मार्केट से गुजरने वाली फास्ट रेलवे लाइन पर इस ट्रेन को रोक दिया। सूचना मिलते ही मुमरा RPF, दिवा RPF भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के उपकरणों से आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। इस दौरान 30 से 35 मिनट ट्रेन में आग बुझाने का काम चलता रहा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जनरेटर यान में आग लगी है और उसे बुझाने की कोशिश उपकरणों से किया जा रहा है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली 2542 गोरखपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जिसके जनरेटर यान में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक ये आग किसी टेक्निकल कारण की वजह से लगी है। ये तस्वीरें दोपहर करीब 12 के आसपास की है जब इस ट्रेन में आग लगी थी और मौके पर RPF के जवान भी मौजूद हैं। आग बुझाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, आग बुझाने में इन्हें इस्तेमाल किया गया है। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ से काम लिया और ट्रेन को रोक दिया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आग बुझाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।